अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4 जनवरी 2024 थर्सडे, मैथमेटिक क्लास 3 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीटर को सॉल्व, देन सेंटीमीटर, देन किलोमीटर। जिस 5 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 7 से लेंगे कैरी। कैरी क्या आता होता है 1, और 5 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये क्या हो गया 15। 15 में से 6 माइनस करें 9, मीटर एज इट इज़। इधर हमारे पास लेफ्ट था 3, जब आप 3 में से 3 माइनस करते हैं 0। 5 में से 8 आप माइनस नहीं कर सकते, एक इधर से कैरी लेंगे, ये बन गया 15। 15 में से 8 माइनस करें 7, देन इधर हमारे पास बच गया था 3। 3 में से 1 माइनस करें 2। मीटर यूनिट एज इट इज़। 6 में से 5 माइनस करें 1, 8 में से 3 माइनस करें 5, 4 में से 0 माइनस करें 4। जैसे ही हम प्लस में करते हैं कि अगर 0 में कोई भी डिजिट ऐड करें तो वो सेम रहेगा, ऐसे ही माइनस में भी अगर 0 में से किसी डिजिट को माइनस करेंगे तो वो डिजिट एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करें 5। देन ये क्वेश्चन हमें वर्टिकली दिया गया है, इसको हम पहले साइड पर लिख लेंगे 5 3 0 फर्स्ट स्टेटमेंट, देन सेकेंड 2 20 मीटर। साइन हमें माइनस का दिया गया है, मीटर एज इट इज़। 0 में से 0 माइनस करें 0, 3 में से 2 माइनस करें 1, 5 में से 2 माइनस करें 3। ऐसे ही हम इस आंसर को लिख देंगे 310 मीटर या 310 मीटर। देन हम जैसे हमने मीटर को सॉल्व किया है, ऐसे ही हम सेंटीमीटर को करेंगे। सेंटीमीटर का यूनिट एज इट इज़, 5 में से 5 माइनस करें 0, 7 में से 2 माइनस करें 5, 2 में से 1 माइनस करें 1, 2 में से 1 माइनस करें 1। 4 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है, इसलिए हमें इधर से कैरी लेना पड़ेगा, ये हो गया 14। 14 में से 6 माइनस करें 8, सेंटीमीटर एज इट इज़। इधर बच गया था हमारे पास 7, 7 में से 0 माइनस करें 7, 6 में से 0 माइनस करें 6, 7 में से 2 माइनस करें 5। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट 16 15 सेंटीमीटर, देन सेकेंड हम लेफ्ट साइड राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं 5 6 8 सेंटीमीटर माइनस। सेंटीमीटर एज इट इज़, 5 में से 5 माइनस करें 0, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे 11, 11 में से 6 माइनस करें 5, इधर हमारे पास लेफ्ट हो गया 5, 5 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमें कैरी लेना पड़ेगा, ये बन गया 15, 15 में से 8 माइनस करें 7, इधर हमारे पास लेफ्ट बचता है 0, और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिखना है दैट्स ओके। हमारा आंसर आ गया 7 5 0 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम एज अ किलोमीटर को सॉल्व करेंगे कि हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किलोमीटर एज इट इज़, 1 में से 0 माइनस करें 1, 9 में से 9 माइनस करें 0, 5 में से 2 माइनस करें 3, 1 में से 1 माइनस करें 0 आता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिख भी लें नो प्रॉब्लम। किलोमीटर एज इट इज़, 2 में से 3 को हम माइनस नहीं कर सकते, इधर से हमें कैरी लेना पड़ेगा 12, 12 में से 3 माइनस करें 9, लेफ्ट हमारे पास बच गया 8, 8 में से 8 माइनस करें 0, 6 में से 4 माइनस करें 2, 5 में से 1 माइनस करें 4। ऐसे ही हमें एक वर्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट 3192 किलोमीटर, देन 1880 किलोमीटर। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, किलोमीटर का यूनिट एज इट इज़, 2 में से 0 माइनस करें 2, 9 में से 8 माइनस करें 1, 1 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, हमें कैरी लेना पड़ेगा, ये बन गए 11, 11 में से 8 माइनस करें 3, इधर हमारे पास लेफ्ट बच गए थे 2, 2 में से 1 माइनस करें 1। इस आंसर को हम ऐसे ही वर्टिकली लिख देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्टिकली के फॉर्म वर्टिकल फॉर्म में दिया गया है। ये कुछ काम है जो आपको मैं दे रही हूँ, ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर नोट करना है, जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे आपकी कॉपीज चेक की जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।